राजनीति एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर हार और जीत तो लगी ही रहती है, लेकिन अक्सर ऐसा देखा गया है कि सभी पार्टियां अपने उम्मीदवारों अथवा अपने सांसदों को बचाकर ही चलते हैं, लेकिन शायद इस बात को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बिल्कुल भूल चुके हैं। इसका जीता जागता उदाहरण उस समय देखने को मिला जब उत्तर प्रदेश की राजनीति में जिन पूर्व लोकसभा सांसद आजम खान के जरिए प्रदेश के अंदर सबसे बड़े दूसरे वोट बैंक को समाजवादी पार्टी लुभाया करती थी, उनके ऊपर जब मुसीबत आई तो दिनेश यादव ने उनसे दूरियां बना ली। इतना ही नहीं बल्कि हाल ही में आजम खान कोरोना वायरस से संक्रमित भी पाए गए, जिसके बाद उनको लखनऊ के मेदांत अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन अखिलेश यादव ने उनके नाम पर एक प्रतिक्रिया तक जारी नहीं की। उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी के नेता और प्रदेश के पूर्व मंत्री आजम खान एक अलग स्तर पर सुख प्राप्त है, लेकिन प्रदेश में सरकार के बदल जाने के बाद से उनके ऊपर भ्रष्टाचार खुलने लग गए हैं और उनके जरिए मुस्लिम समाज का वोट हासिल करने वाले अखिलेश यादव ने भी उनसे दूरी बना ली है। आजम खान को लेकर उनके बेटे तक योगी सरकार के द्वारा कार्यवाही की गई, लेकिन अखिलेश यादव ने अपना मुंह तक नहीं खोला। कुछ ऐसी ही स्थिति उन्होंने आज भी बनाई हुई है। जी हां, आजम खान लखनऊ के मेदांता अस्पताल में एडमिट है, लेकिन जिन्होंने जिस पार्टी के लिए अपना सब कुछ समर्पित किया है उसका सर्वोच्च नेता उनका उल्लेख तक नहीं करता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आजम खान न्यायालय के आदेश पर सीतापुर जेल में थे। कोरोना वायरस की दूसरी लहर में जेल में कैदियों के साथ वह भी कोरोना वायरस की चपेट में आ गए। उनकी तबीयत पिछले दिनों से काफ़ी ज़्यादा खराब चल रही थी, जिसके बाद उन्हें लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। अब तक मिली जानकारी के अनुसार उन्हें हाई ऑक्सीजन दी जा रही है और उनकी स्थिति फिलहाल गंभीर बताई जा रही है। अब ऐसी स्थिति में समाजवादी पार्टी के अधिकारी से मेडिकल बुलेटिन नाम पर औपचारिकता की जा रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने आजम खान की हालत पर एक ट्वीट तक नहीं किया है।